बच्चों नमस्कार। मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ महाड़ा। जैसा कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए शांति शिक्षा एवं सतत विकास में चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के बारे में बता रहे थे, और इसी में ऐसे कि सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और सहयोग, इसमें होता है कि जब तक कि सकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे तब तक बच्चे समझेंगे नहीं, और वो उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है। सहयोग के रूप में, विरोधी के रूप में नहीं, या किसी बात को काटते हुए नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप में ही हम हस्तक्षेप करेंगे। हम का मतलब होता है शिक्षक, यहाँ हम का मतलब हम नहीं, हम का मतलब शिक्षक। तो अब आता है कि शिक्षकों द्वारा बच्चों में सकारात्मक व्यवहार के गुणों का समावेश करना होता है, और कुशल शिक्षक बच्चों में, बालकों में सकारात्मक व्यवहार गुणों का विकसित करने का कार्य भी करते हैं। कुशल शिक्षक विद्यार्थियों में सकारात्मक और अच्छे गुणों की शिक्षा, चरित्र निर्माण पर बल, पाठ सामग्री और कक्षा में बालकों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक सकारात्मक हस्तक्षेप कर उन्हें सही गलत का ज्ञान करा सकते हैं। जैसा कि क्रम के अनुसार देख सकते हैं, नंबर एक, सत्यता और विश्वास के साथ पढ़ाया जाने वाला पाठ विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करता है। बालक कक्षा में अपने साथियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसी कारण शिक्षकों को सभी बालकों पर समान ध्यान देना चाहिए, जिससे यदि कोई विद्यार्थी गलत व्यवहार करता है तो उसे उसके इस अवांछित व्यवहार का मतलब होता है जो व्यवहार उसको नहीं करना चाहिए वह व्यवहार वो कर रहा है, उसको बोलते हैं अवांछित व्यवहार। उस अवांछित व्यवहार पर हतोत्साहित करते हुए उसमें सकारात्मक व्यवहार के गुण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। बालकों में अच्छे गुण विकसित कर उन्हें सकारात्मक और व्यवहारिक सहयोग प्रदान कर उनमें व्यवहारिकता एवं सहयोगात्मक गुण विकसित करना है। बालकों को शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन व सहयोग की आवश्यकता होती है, और एक कुशल शिक्षक सदैव अपने विद्यार्थियों को सकारात्मक सहयोग ही करता है। सकारात्मक का जो गुण होता है छात्रों में विकसित करने के लिए, अगर विकसित करते हैं तो वह अपनी कुशलता जाहिर करता है। शिक्षक अगर विकसित वह गुण उसका विकसित करता है तो ये समझ लो कि वो अपना बड़ी कुशलता सिद्ध कर रहा है। इसी कारण कुशल शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करते रहते हैं। शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री के साथ छात्रों में जीवन मूल्य व नैतिकता की शिक्षा भी प्रदान करता है, और यही एक शिक्षक की कुशलता है कि वह बच्चों में विषयों का ज्ञान के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास पर भी बल देती है। कुशल शिक्षक अगर किसी बालक में गलत आदतों या गलत व्यवहारों को देखता है तो वह तुरंत ही उनमें उन आदतों व व्यवहार को सही या गलत तरीके से समझने का प्रयत्न करता है, और व्यवहारिक सहयोग व्यक्तित्व निर्माण में भी सहयोग करता है। इसी तरह कुशलता से, सकारात्मक सहयोग से चरित्र विकास में भी बच्चे के लिए सदा व्यवहार, सद्व्यवहार की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। वह शिक्षक कुशलता के साथ अपनी योजना के साथ जोड़ लेता है ताकि बालक अच्छी आदतों व अच्छे गुणों को सीख सके। केवल शिक्षकों का ही नहीं बल्कि बालकों के, विद्यार्थियों के माता पिता व घर परिवार को भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों में अच्छे गुणों का निर्माण के लिए सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और सहयोग करना चाहिए। अब होता है कि शिक्षक बच्चों में सकारात्मक प्रयासों से व्यवहारिक
गुणों को विकसित करते हुए उनमें नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। तो सकारात्मक सहयोग कहाँ से उत्पन्न होता है, इसके पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। पहला, सद्व्यवहार व अच्छे गुणों का विकास करना। दूसरा, सामाजिक व्यवहार की सीख देना। तीसरा, सकारात्मक क्षमताओं का विकास। चौथा, जीवन मूल्यों को महत्व को समझना और उनको समझाना। पांचवा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवहारिकता की शिक्षा देना। छठवां, चरित्र निर्माण पर बल। नंबर 7, नैतिक शिक्षा का शिक्षण प्रदान करना। नंबर 8, व्यवहारिक गुणों में विकास के साधन उपलब्ध कराना। नंबर 9, महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार व परंपराओं का ज्ञान कराना। नंबर 10, सामाजिक जीवन मूल्यों की शिक्षा देना। नंबर 11, राष्ट्रीय गुणों का विकास करना। इसके बाद देश प्रेम व स्वाभिमान के गुण विकसित करना, जीवन मूल्यों का विकास करना, सामाजिक सद्व्यवहार का पाठ पढ़ाना, व्यवहारिक गुणों के साथ पाठ योजना का शिक्षण देना। इस तरह से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विशेष शिक्षण योजनाओं का निर्माण करते हैं ताकि विद्यार्थी कक्षा में विषय वस्तु को स्वयं अपने साथियों के साथ सीख सकें। यही वो अच्छी आदतें होती हैं। अच्छी आदतों किसी की ही होती है। बच्चे में अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करना तथा अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने की रणनीति एक कुशल शिक्षक ही बनाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ आज का ये पाठ्यक्रम था चरित्र एवं नैतिक शिक्षा, ये आज यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला आपका चैप्टर शुरू होगा। नमस्कार।